हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। मैं आपका दोस्त हेमंत गौड़ आपके लिए एक और बहुत बेहतरीन खुशखबरी लेकर के आया हूं। वह खुशखबरी क्या, बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आ रहा। आप देखेंगे सभी पेपर के एक पेज पर आप देखेंगे अग्निपथ योजना का रिक्वायरमेंट जो है पब्लिश हो चुका है। आप देखेंगे उस पर निकल चुका है, तो वो उसमें क्या क्या दिया हुआ इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है कि 16 नवंबर से 6 दिसंबर तक ये भर्ती चलेगी। 16 नवंबर से 6 दिसंबर तक ये भर्ती चलेगी। ये नोट में देखिए दिया, सेना भर्ती कार्यालय से जिलेवार तिथि जारी। यानी सेना भर्ती जो कार्यालय है वहां से आपका जिलेवार आपका तिथि जारी हो गया, किस डेट में कौन से जिले का भर्ती होगा। सबसे पहले 16 नवंबर, यहां ध्यान रखिए, सबसे पहले 16 नवंबर को गोरखपुर को दिया गया मौका। ठीक है ना, सबसे पहले गोरखपुर को 16 नवंबर से मौका दिया गया है। अब ये गोरखपुर का क्या है, अब हर जिले का हम अलग अलग निकाल कर आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम गोरखपुर जिले का बताते हैं। तो गोरखपुर जिले को सबसे पहले मौका दिया गया, गोरखपुर से हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहां दिया है 16 नवंबर, 16 नवंबर को गोरखपुर, और गोरखपुर में कौन कौन जो तहसील होंगी, तो चौरी चौरा और बांसगांव, ये दो तहसील का जो है अभ्यर्थी जाएंगे। यानी 3903 अभ्यर्थी क्या है, भर्ती है। ठीक है ना, और यहां आपके जाएंगे चौरी चौरा में इतने। ठीक, उसके बाद देखिए 17 नवंबर गोरखपुर, 17 नवंबर को भी फिर गोरखपुर का है, तो गोरखपुर में कौन कौन, सहजनवा तहसील और गोला बाजार, सहजनवा तहसील और गोला तहसील के लोग जाएंगे। कितने अभ्यर्थी हैं, 37, यानी 3773 अभ्यर्थी। ठीक है, आगे देखिए 18 नवंबर को जो वैकेंसी है वह आपका क्या है, 18 नवंबर जो भर्ती है गोरखपुर की, ये भी है, ये खजनी और गोरखपुर की है, खजनी और गोरखपुर तहसील की है, खजनी और गोरखपुर तहसील की। इसमें 7045 अभ्यर्थी पहुंचेंगे। कितने, 7045 अभ्यर्थी। आगे है आपका 19 नवंबर, 19 नवंबर को गोरखपुर की कैंपियरगंज, यानी गोरखपुर का कैंपियरगंज, देवरिया सदर और रुद्रपुर, जो रुद्रपुर की तहसील है ये, यानी 7819 अभ्यर्थी पहुंचेंगे। तो दोस्तों यह आपको पूरा सूचना सुपर फास्ट यानी बहुत तेजी से इस चैनल पे मिलता है, आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, ताकि जो ही वीडियो मैं अपलोड करूं तुरंत सबसे पहले आप तक पहुंचे और किसी प्रकार की आपको समस्या का सामना न करना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने आपको अग्निपथ योजना का जो 16 नवंबर से 6 दिसंबर तक भर्ती चलने वाली है, इस भर्ती के बारे में पूरा एनालिसिस कर दिए। अब हम बात करेंगे अलग अलग जिलों की। सबसे पहले हम गोरखपुर जिलों में बात किए हैं, गोरखपुर जिलों में कौन कौन सी तहसील का कब भर्ती है, ये डेट दिया हुआ है, और ये आपका जिला व तहसील दिया हुआ है, ये जिला है और ये आपके तहसील है, ये तहसील के बारे में वर्णन है, और ये आपके अभ्यर्थी पहुंचेंगे, इतने अभ्यर्थी है। ठीक है ना, तो ऐसे आपकी भर्ती होनी है। तो अब हम बात करेंगे अगले, अब देवरिया पर चलेंगे, देवरिया के बाद संत कबीर नगर, ऐसे जितने भी जिले हैं सभी जिलों में चलेंगे, और मैं पेपर का कटअप आपको इस पर पेस्ट कर दूंगा, उसे देख लीजिएगा। यहाँ पेपर का कटअप आपका लगा है, आप यहाँ से देख सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस पर दिया जा रहा है, सारी जानकारी आपको इस पर मिलेगा, पूरा पेपर कटिंग आप पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद आप उसी अनुसार आपको फॉलो करना है जो नियम दिया है। और रूल जो है आपका, डेट चेंज हो सकता है, ये डेट आप जाकर के इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आप देखते रहिएगा। ठीक है ना, ये अभी जो पेपर में निकल करके आ रहा उसके डेट के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, अगर आपका डेट चेंज होता है तो यह आप जाकर के वेबसाइट पर जाकर आप चेक करते रहिएगा, सारी जानकारी आप लेते रहिएगा। बाकी जो हमारे अनुसार जानकारी होगी मैं आपको देता रहूंगा, जैसे ही जानकारी डेट चेंज किया थी वो भी जानकारी मैं देते रहेंगे, सारी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कराया जाता है। अगर आपको किसी प्रकार की किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में समस्या होती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स करें, और उसके बाद सारी समस्याओं का आपका समाधान होगा। सभी फैकल्टी मेंबर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए तैयार हैं, और बस आप अधिक से अधिक लिंक को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक ज्वाइन हो, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट का से दिया जाए। देखिए सेना भर्ती कार्यालय से जिलेवार तिथि जारी। अब देखिए कुछ जिलों का नाम हम नहीं लिख पाए हैं, जैसे
कुछ ऐसे जिले अभी नीचे बचे हुए हैं उनका नाम नहीं लिख पाए हैं, वो आप पेपर के द्वारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पेपर का कटिंग हम यहाँ लगा देंगे और पेपर कटिंग में आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, दिया हुआ है आपका तारीख, जिला व तहसील और अभ्यर्थी शामिल कितने होंगे। तो देखिए, 20 नवंबर को देवरिया की भाट पर रानी, बरहल, सलेमपुर, सोनभद्र की घेरावल, यहाँ जो स्टूडेंट जाएंगे कितने अभ्यर्थी जाएंगे, 7221 अभ्यर्थी पहुंचेंगे, ठीक है। 21 नवंबर को सोनभद्र, रॉबर्टगंज, दुधई और बलिया का सदर तहसील से ये लोग जाएंगे, कितने, 7009 है ये टोटल, यानी 21 नवंबर को है। 22 नवंबर को कौन कौन जाएंगे, बलिया का सिकंदरपुर, बासडीह और बैरिया, ये 7420 अभ्यर्थी पहुंचेंगे। उसके बाद देखिए, 23 नवंबर को बलिया का रसड़ा, बेलथरा रोड और मऊ का घोंसी, ये 7713 लोग पहुंचेंगे। चलिए, 24 नवंबर को मऊ में मधुबनी, आपका मोहम्मदाबाद और गोहना, मऊनाथ भंजन, ये 7724 स्टूडेंट वहां पहुंचेंगे। उसके बाद दिया 25 नवंबर, आजमगढ़ सदर, बुरहानपुर और लालगंज से, ये 7656 स्टूडेंट पहुंचेंगे। उसके बाद 26 नवंबर, आजमगढ़ का निजामाबाद, मेहनगढ़ और सगड़ी से 7360 लोग पहुंचेंगे। उसके बाद 27 नवंबर को देखिए, आजमगढ़ का फूलपुर, गाजीपुर के जखनिया व जमानिया, ये 7143 अभ्यर्थी पहुंचेंगे। उसके बाद यह 28 नवंबर, गाजीपुर में सदर और मोहम्मदाबाद तहसील से 7487 स्टूडेंट पहुंचेंगे। और 29 नवंबर, गाजीपुर में सैदपुर और कासिमाबाद से 7279 अभ्यर्थी पहुंचेंगे, ठीक है दोस्तों। अब और भी है जो हम पेपर कटाव अभी यहाँ लगा रहे हैं और इस पेपर के कटाव से आप पूरी जानकारी ले लेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये भर्ती कहाँ होने वाली है इस बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो यह छावनी कहाँ होगी दोस्तों भर्ती, यह भर्ती आपकी छावनी रणबांकुरे मैदान में होगा, ठीक है। ये रैली की जो भर्ती हो रही है वो छावनी में स्थित रणबांकुरे क्या मैदान, रणबांकुरे मैदान में ये भर्ती होगी। छावनी के रणबांकुरे मैदान में ये रैली होने वाली है। तो इस रैली में आप अपने जिले का नाम देखिए और अपने तहसील का नाम देखिए, उसके बाद उस डेट में जाइए और उस अपना रैली में पार्टिसिपेट कीजिए और अच्छा प्रदर्शन कीजिए आप फिजिकल में, ठीक है ना। तो दोस्तों, मैं आपको पूरा पेपर का कटाव यहाँ लगा दे रहा हूँ और पेपर का कटाव आप देख लीजिए, सारी जानकारी इसमें पूरा ए टू जेड सारी जानकारी आपको दिया हुआ है, पेपर से आप पढ़ लीजिए, पूरी जानकारी आप पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस चैनल पर सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कराया जाता है, लाइक यूपीपी, यूपीएसआई, आर्मी, सी टेट, यूपी टेट, यूपीएस, यूपी ट्रिपल एससी पेट, ये सारे बैचेस स्टार्ट किए गए हैं, एसएससी जीडी, ये सारे बैच स्टार्ट किए गए हैं और बहुत बेहतर ढंग से पेपर का एनालिसिस करके आपको पढ़ाया जाता है और डिस्क्रिप्शन के माध्यम से डिस्क्रिप्टिव पूरा पढ़ाया जाता है, एक्सप्लेन करके पूरा पढ़ाया जाता है, विस्तृत जानकारी आपको दिया जाता है। तो हमारे चैनल पर बने रहें, आईटी ऑनलाइन एजुकेशन बाय हेमंत सर, आप यूट्यूब चैनल जाएं, उसे सर्च करें और सर्च करके हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और उससे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मात्र मैं आपको एक वर्क के लिए बोल रहा हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि और भी लोग आ सके और फ्री अवकाश जानकारी ले सके। इसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है और पूरी शिद्दत के साथ हमारे सभी फैकल्टी मेंबर आपको पढ़ाते हैं। जो भी जानकारी लेना हो आप मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, तुरंत आपको जानकारी दिया जाएगा। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और हम लोग और भी बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो आपके लिए बनाते हैं ताकि हम लोगों का मनोबल बढ़ा रहे। तो मनोबल आप लोग बढ़ाइए, हम आपके लिए वर्क कर रहे हैं, आपको बेहतर बनाएंगे, आपको अपने लक्ष्य तक आपको पहुंचाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये पेपर का पूरा कटिंग आप जरूर देख लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जाइएगा। और हाँ, एक और बात हम आपको बता दें कि यह जो आपका पेपर के द्वारा जानकारी मिला है, अगर आप कोई डेट अगर चेंज होता है तो आप उसे ऑफिशियल वेबसाइट से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो में प्रेजेंट जानकारी दिया गया है, अब भविष्य में क्या होता है उसके बारे में आप जानकारी लेंगे अपने जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से। बाकी कोई और नोटिफिकेशन होगा तो हम आपको तुरंत बनाकर आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।